दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 106 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हुआ युहाओ को देखते हैं जो केके और ज्यूजी को चिल्लाते हुए कहता है, चलो ठीक है तुम दोनों आ जाओ, और रोस्ट मीट बनके तैयार हो गया है तो तुम दोनों अब इसे टेस्ट कर सकती हो। और इसे देख के ज्यूजी हैरान होते हुए कहती है, यह क्या है और यह आधा कच्चा क्यों है? और केके कहती है, यह मीट तो अब भी गुलाबी है। तो युहाओ कहता है, अगर तुम लोगों ने इसे जल्दी नहीं खाया तो ज्यादा देर तक इसका अच्छा वाला टेस्ट नहीं रहेगा। और केके कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुलेट खा रही हूँ। और जैसे केके इस पीस को खाती है तो ये काफी ज्यादा हैरान होती है और यह मन में कहती है, इस मीट का फ्लेवर तो काफी अच्छा है और यह एक ही समय पर टेंडर मेलो क्रिस्पी है, और आज से पहले मैंने कभी भी इतने लजीज रोस्टेड मीट को नहीं खाया है। और फिर यह हुआ युहाओ से कहती है, ये तो सच में काफी ज्यादा लजीज है और जल्दी से अब मुझे ये और दो। और तभी ज्यूजी भी इसे खाने लगती है, और क्योंकि केके और ज्यादा मांग रही थी इसलिए हुआ युहाओ उसे और देने लगता है। लेकिन तभी युहाओ का ध्यान ज्यूजी पर जाता है तो वह देखता है कि वह इसे खाते हुए काफी रो रही है। और तभी हुआ युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है, अरे इसे क्या हुआ? और केके भी हैरान होते हुए कहती है, ज्यूजी क्या हुआ, तुम एकदम अचानक से रोने क्यों लगी? और फिर ज्यूजी रोते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मुझे ये फ्लेवर दोबारा कभी भी टेस्ट करने को नहीं मिलेगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डैड का फ्लेवर दोबारा से टेस्ट करने को मिलेगा। और इस चीज को सुनकर हुआ युहाओ के भी तोते उड़ जाते हैं और यह भी काफी हैरान होता है। और ज्यूजी बताती है कि मेरे फादर टाउन के सबसे बेस्ट शेफ थे और उन्हें काफी खुशी मिलती थी जब वो मेरे लिए और मॉम के लिए कुकिंग करते थे, लेकिन मैं फादर के रोस्टेड मीट के फ्लेवर को कभी नहीं भूल पाए। हालांकि उन्होंने जंग में अपनी जिंदगी को खो दिया था जिस वजह से मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो काफी बीमार हो गई और फिर वो भी गुजर गई। और इस फ्लेवर को टेस्ट किए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और मुझे तो लगा था कि मैं इस फ्लेवर को दोबारा कभी टेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। और इनकी कहानी को सुनकर हुआ युहाओ को भी काफी बुरा लगता है और यह मन में कहता है, ज्यूजी सैनपाई बिल्कुल मेरी जैसी ही है क्योंकि हम दोनों ही अनाथ हैं। और शायद इसी वजह से उस समय इनका वो एक्सप्रेशन आया था जब इन्होंने मेरे अनाथ होने वाली बात को सुना था। और फिर हुआ युहाओ कहता है, मेरी मॉम भी एक बीमारी की वजह से गुजर गई थी और ये दोनों ही एक दूसरे की हालत को देख के काफी उदास होने लगते हैं। इस वजह से केके को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ये सब पास्ट की बातें हैं इसलिए उस बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है, और बेहतर यही रहेगा कि सोचा भी ना जाए बल्कि उन वंडरफुल चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जैसे कि यह हमारा डिनर। और फिर ये दोनों ही केके के सीरियस फेस को देख के काफी हंसने लगते हैं। तो केके चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मुझ में इतना भी फनी क्या है? ज्यूजी तुम जो आधी हंस रही हो आधी रो रही हो, क्या तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? और केके यहाँ से जाते हुए कहती है, काफी लेट हो गया है इसलिए हमें अब आराम करना चाहिए और अपने अपने दिमाग को साफ कर लेना क्योंकि हमें सुबह जल्दी सबसे पहले माउंटेन पर जाना है। और ज्यूजी यहाँ से जाते समय युहाओ को काफी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, फ्यूचर में कुकिंग के काम को मैं तुम पर छोड़ दूंगी। और इस वजह से हुआ युहाओ भी थोड़ा सा हैरान होता है। और जब रात के समय हुआ युहाओ सो रहा होता है तब इसे सपने में वापस से वही ब्यूटीफुल शैडो दिखाई देती है और यह सुंदर लेडी और कोई नहीं इनकी स्पिरिट फ्यूजन वाली लेडी होती है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता है जिसके बाद हुआ युहाओ सभी के लिए ही सिंपल ब्रेकफास्ट बनाता है। और केके ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है, यह इतना भी बुरा नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सूप का टेस्ट भी इतना अच्छा हो सकता है। और जब हुआ युहाओ ज्यूजी को अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखता है तो मन में कहता है, हालांकि ज्यूजी सैनपाई जिस तरीके से मेरी तरफ देखती है उस वजह से मुझे काफी अजीब सी महसूस होता है। जिसके बाद इनकी तिगड़ी जिंग यांग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करती है और फिर ज्यूजी कहती है, यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट बीस्ट्स हैं इसलिए उड़ जाना ज्यादा सेफ नहीं होगा, और अब जब हम चलना शुरू कर रहे हैं तो हम इस चीज के लिए इस चीज के ऊपर निर्भर होंगे। और इतना कहकर ज्यूजी लैंड डिटेक्शन स्पिरिट डिवाइस को बाहर निकाल लेती है। और इतने ज्यादा बड़े स्पिरिट डिवाइस को देख के हुआ युहाओ भी काफी हैरान होता है। भाई लोग, इस एपिसोड के अंदर ज्यूजी का सीक्रेट खुलने वाला है और इसके जो इरादे होते हैं उन्होंने यहाँ तक कि हुआ युहाओ को भी अंदर तक हिला दिया होता है। तो चलिए मिलक जानते हैं कि ज्यूजी ने किन रहस्यों को छिपा के रख रखा है। और फिर हम इन तीनों को ही उसी स्पिरिट डिवाइस के अंदर देखते हैं जहाँ पर ज्यूजी बताती है, ये लैंड स्काउटिंग स्पिरिट डिवाइस है और हमारे सिनेमोन स्पिरिट डिवाइस अकेडमी ने इसे इन्वेंट करने में अपने पूरे 30 साल बिताए हैं।
और यह काफी हाई डेंसिटी के एलॉय से बना हुआ है, और यह यहाँ तक कि लेवल 6 से जो नीचे के 1P डिवाइसेज है उन सभी के अटैक के सामने ये बड़े ही आराम से टिक सकता है, और तो और यह बैरियर को भी क्रिएट कर सकता है। न सिर्फ इतना ही बल्कि यह अपनी प्रेजेंस को भी छिपा सकता है, जिस वजह से स्पिरिट बीस्ट भी हमें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर पहाड़ के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो ये तुरंत ही अपने पैरों को अंदर करके पहाड़ पैसे गुड़क हुए नीचे आ जाएगा। और इसके हर एक सीट के ऊपर बटन है, और इन सारी चीजों को जान जान कर हुआ युहाओ भी काफी अचंभित होता है, और यह मन में कहता है, अमेजिंग, क्या सिनेमून एम्पायर इतना ज्यादा एडवांस है स्पिरिट वेपन्स के मामले में। और जूजी कहती है, मेरे पास जितनी स्पिरिट एनर्जी है उसके हिसाब से हम इसे लगभग आधे घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों ही बारी बारी से इसे चलाएं तो इस तरीके से इसे काफी देर तक चलाया जा सकता है। और इस तरफ हुआ युहाओ ने अपनी मेंटल डिक्टेशन का इस्तेमाल करके इस स्पिरिट डिवाइस के अंदर करीब 3 फॉर्मेशंस को ढूंढ लिया होता है, और फिर युहाओ मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि इनमें काफी महंगे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, और तोरस के जो ये 6 पैर हैं वह भी ज्यादा कुछ फुर्तीला नहीं है, और यह अपनी फुल स्पीड में करीब करीब मेरी स्पिरिट जितना ही होगा, लेकिन ये सिर्फ वर्तमान की सिचुएशन है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो अगर सिनेमून एम्पायर स्पिरिट एनर्जी के सब्स्टिट्यूट को ढूंढ ले तो, और ऑब्वियसली फिर इस चीज को स्पिरिट कैनन के साथ इक्विप किया जा सकता है, और तो और अलग अलग तरह के स्पिरिट वेपन्स के साथ भी। और टीचर अभी जिस चीज को अहमियत दे रहे हैं वो पब्लिक के लिए ऐसे स्पिरिट डिवाइस होंगे जिन्हें वो जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बारी चार्ज करने के बाद एक नॉर्मल पर्सन भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, और उस फ्यूचर को इमेजिन भी करना काफी मुश्किल है। और तभी जूजी कहती है, वैसे तो इस स्पिरिट डिवाइस को एम्पायर की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह अभी अनाड़ी है, आलसी है, और भर भर के इसमें प्रॉब्लम्स है, और इसके रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम सिर्फ निरंतर प्रयास ही कर सकते हैं। लेकिन अगर भविष्य में किसी ऐसे एनर्जी सोर्स को डिस्कवर कर लिया गया जिसे स्पिरिट एनर्जी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके तो फिर इसे एनहेंस करना काफी आसान हो जाएगा, और तो और इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यूजी की इन बातों को सुनके हुआ युहाओ मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्यूजी आगे की चीजों को इतनी क्लियरली देख पाएंगी। और थोड़ी देर से ज्यूजी कहती है, आखिर तुम इतने चुपचाप क्यों हो, क्या तुम्हें इस चीज का डर लग रहा है कि हम जो इतनी तेजी से एडवांस हो रहे हैं तो कहीं हम तुम्हारी कंट्री के ऊपर अटैक ना कर दें। और फिर हुआ युहाओ कहता है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का होता है, लेकिन एक बारी जो जंग शुरू हो जाती है तो इससे सिर्फ सबसे ज्यादा आम लोग ही पीड़ित होते हैं। जिस पर जूजी कहती है, हाँ, टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से एडवांस होना ये भी हरदम अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि सिनेमून एम्पायर की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ के जो रॉयल्स हैं वो काफी सुस्त हो गए हैं, और वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार सामाजिक संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और यह इस हद तक बढ़ गया कि हाल ही के सालों में यहाँ के नागरिकों ने काफी बार दंगे किए हैं। और क्या तुम जानते हो कि इस दौरान का सबसे अच्छा राजनीतिक निर्णय कौन सा है? तो हुआ युहाओ इसका जवाब देते हुए कहता है, आंतरिक संघर्षों को शांत करने के लिए जंग का शुरू करना। और तभी ज्यूजी कहते हैं, तुम काफी हद तक एक जासूस जैसे लगने लगे हो, लेकिन अब भी तुम उतने सक्षम नहीं हो। तो हुआ युहाओ कहता है, मैं अपने आप को जासूस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी देश के लिए काम करके उन्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर संभव हो सके तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि मैं इस जंग को रोक सकूं। और हुआ युहाओ की इस बात को सुनके ज्यूजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, और फिर कहती है, हुआ युहाओ, क्या तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है? और तभी ज्यूजी एकदम अलग पसंद में बदल जाती है और एकदम खतरी तरीके से कहती है, वैसे तो मुझे भी जंग से नफरत है, लेकिन मैं अपने फादर का बदला लेना चाहती हूँ, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य स्टार लू को तबाह करने का है। और ज्यूजी की इस बात को सुनकर हुआ युहाओ भी थोड़ा सा चौंक जाता है और मन में कहता है, तो ज्यूजी का पास्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और फिर ज्यूजी वापस से नॉर्मल होते हुए कहती है, क्या तुम्हें ये सुनकर बुरा लगा? मैं जानती हूँ कि तुम स्टार लो एम्पायर के एक आदमी हो, इसलिए ही मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हम बैटलफील्ड में ना मिले। और इसकी बातों को सुनकर युहाओ मन में कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे कोई भोला भाला स्पिरिट मास्टर कहे, और आने वाले समय में ये सुंदर प्यारी लड़की हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी और हमारे देश के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगी, और शायद उस समय मुझे इसे मारने की भी जरूरत पड़े। और तभी युहाओ इसके बारे में याद करने लगता है और परेशान होते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसका पास्ट बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरी तरह काफी दुख भरी। फिर युहाओ हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे यही विचार है तो फिर तुम क्यों मुझे इतना कुछ बता रही हो?
और तभी जूजू साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अब कोई तीसरा इन दोनों की बातों को नहीं सुन सकता है। और फिर जूजी काफी प्यार भरे अंदाज से कहती है, तुम अब भी काफी छोटे हो और अब भी तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो, लेकिन अगर सच में किसी दिन मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों में मारूंगी, तुम्हारी बाहों में, और जब भी मरूं मॉम डैड के उस फ्लेवर के एहसास के साथ ही मरूं। क्या ये काफी अच्छी चीज नहीं है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा।